सो हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपने कभी मूवी देखी है? मूवी में एक मेन चीज क्या होती है? एक्शन, मारामारी, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइन, सीजीआई। नहीं यार, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होती है एक मूवी में, और वो है कॉमेडी। कॉमेडी जो कि सारे एज के लिए सिमिलर है, कॉमन है, और ये सभी देख सकते हैं। ना तो ये सिर्फ 18 प्लस के लिए है, ना तो इससे किसी भी एज ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड है, ये सभी देख सकते हैं। और ऐसे ही कॉमेडी मूवीज के लिए हमारे पास बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से भरमार है। हमारे पास मूवीज की भरी हुई है कॉमेडी मूवीज। और इसी तरह की मूवी की जो पूरी सीरीज चलते आ रही है बहुत पहले से, सन 2000 से, 1990s से, 97 से, 95 से, पता नहीं कहां कहां से। तो उसी पार्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं वेलकम थ्री और हेरा फेरी थ्री के बारे में। तो हेरा फेरी थ्री के बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। आज हम बात करेंगे वेलकम थ्री के बारे में, जिसका रिलीज डेट, एक रिलीज पोस्टर, एक रिलीज की एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई है, जो कि कल हुआ है। और अब हम आपको उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो गाइस, वेलकम थ्री का जो वीडियो है वो सबसे पहले डाला गया अक्षय कुमार के द्वारा अपने बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद हमने देखा कि यूट्यूब पे भी जियो स्टूडियोज की ओर से उसे पोस्ट किया गया। और हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं और ये भरी हुई है। हमें तो बस सोचा था कि बस मजनू भाई, उदय भाई और हमारे अक्षय कुमार मेन रोल में रहेंगे, पर यहाँ पर तो इन्होंने पूरी फौज लगे खड़ी कर दी है। भाई फौज से मेरा मतलब क्या है? आप ये पहले पोस्टर देखो, ये मेरे ऊपर आपने ये देखा, ये पोस्टर में ये जितने भी लोग भरे हुए हैं ना, ये सभी कॉमेडी के सुपरस्टार है। इन सभी को टॉप लेवल की कॉमेडी आती है और ये सभी एक मूवी में। आप समझ सकते हो कि इन सभी को एक मूवी में रखना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हम ऑडियंस के लिए। बट इन्हें मैनेज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें मैनेज करना, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को डायलॉग, स्क्रीन प्ले, रोल टाइम देना बहुत मुश्किल है। एंड इसे हमारे डायरेक्टर साहब को मैनेज करना होगा। और डायरेक्टर कौन है भाई? अहमद खान। आपको शायद अगर पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दुनिया की छोड़ो, पूरे इतिहास की दो इतनी ज़्यादा बकवास मूवीज बनाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हीराबंदी टू और बागी थ्री जैसी महा खराब मूवी इन्होंने ही बनाई है। और अब बात करें वेलकम थ्री की, तो वेलकम थ्री को अगर हिट करना है तो जो उसका बजट है यानी कि 150 करोड़, उससे ऊपर हिट करना होगा, उससे टोटल उससे ज़्यादा कमाने होंगे, यानी कि उसे टोटल 150 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। और उसके लिए चाहिए क्या? मेन कास्ट, रोल सपोर्ट और कॉमेडी के डायलॉग्स। वो जो राइटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करेगी, क्योंकि आपके पास 20+ आप आर्टिस्ट लेके आ रहे हो, आप कैरेक्टर लेके आ रहे हो जिन्हें आपको रोल प्ले सही से देना होगा और जिनके साथ आपको काम बहुत सही से करना होगा, क्योंकि जहाँ भी आपने कुछ मिस्टेक की जनता किंग है, जनता आपको बाहर निकाल देगी। शाहरुख खान 4 साल के बाद आए थे पठान और जवान लेके, वो दो बॉम्ब थे उनके पास, एटॉमिक बॉम्ब, ब्रह्मास्त्र थे जो कि उन्होंने मारा और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साउथ बेल्ट, नॉर्थ बेल्ट सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि ये हिट की है। वैसे ही अब करना होगा वेलकम के डायरेक्टर को, अक्षय कुमार को, जिनका कैरियर खराब हो रहा है। ONG2 में उन्होंने जरूर रोल किया है जो कि उन्हें कुछ पावर देगा, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस देगा, बट आगे अब बढ़ना होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा आईडी का चाहिए, मुझे फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, जिससे आपको मिले बेहतर से बेहतर अपडेट हर रोज इस चैनल पे। और हमारे व्लॉग चैनल पे भी आप जाके हमारे व्लॉग्स देखो, उसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, फैला दो। ठीक है, तो टिल देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।